13,500 के तीन आइटम, 13,500 के तीन आइटम है, तीन में चार, अरे तीन है, दो तो फ्री है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 8:30, तो आज है दीपावली, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, चलो। कल रात को मैंने बनाया था, तो ये देख सकते हैं लक्ष्मी माता के पैर बनेंगे इन पे, और यहाँ वो अपन बताए जो डिजाइन होता है ना व्हाइट कलर का बनेगा इसमें ऊपर, और यहाँ से पूरा ऐसे ही है। ये आपने अगला पहला ब्लॉग नहीं देखा तो लास्ट मैंने रात को बनाए थे, तो सब पे बना रखे हैं ऐसे ऊपर तक। तो चलिए अब लगते हैं काम पे और फिर नहा धो के मिलते हैं आपसे, है ना। तो आजकल सबसे पहले पापा उठ जा रहे हैं, जोत बत्ती कर दे रहे हैं, बाकी हम तो लेट ही हो जा रहे हैं, बाकी नहाएंगे अब हम भी। सो टाइम हो गया 10:05 और नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, पिठिया भी लगा लिए और अपना कुर्ता पजामा पहन लिया है, कुर्ता पजामा पहन लिया, इसका मतलब काम अब कम से कम करें क्योंकि कपड़े खराब नहीं हुए ना। तो यहाँ पे भी लगा दिए साथ साथ में, ये मैं भूल गया था लगाने कल। और पापा बना रहे, फर्स्ट टाइम बन रहे हमारे घर में आज, क्या कहते हैं, पुए पूरे बन रहे हो, मीठे होते जो, तो ऐसे बन रहे हो कुछ डिजाइन आधा टेढ़ा। सो फाइनली गेटों का श्रृंगार तो पूरा हो चुका है, अब अपना नाश्ता कर देते हैं। आज नाश्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन है, खाते हैं फटाफट, पुए बना रखे एक तो, और भैया पूरी है, सब्जी है, तो खा पी के फिर चलते हैं मिठाई लेने के लिए। भीड़ भूड़ कुछ नहीं हो रही, अपना ले आते हैं स्कूटी में जाके फटाफट। तो चलिए अब मिठाई लेके आते हैं, लेट हो गए हम बहुत आज, वैसे 11 बज गए बताओ। तो आ गए मिठाई लेने आपके अपनी दुकान ओपी मिष्ठान भंडार, तो अपनी मिठाई हो गई डन, अब चलते हैं भाई घर को और फिर देके आते हैं जगह जगह। सो फाइनली मिठाई ले आए, और एक चीज मेन चीज भूल गए हम, लक्ष्मी माता की फोटो, देखो कितना याद रहता है मम्मी को, अब लेके आ रहे हैं चलो। सो आज का सीन कुछ है, बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ है, स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी मैंने डाक खाने के जरा के, और अंदर जाना बहुत, बताओ क्राउड गजब का हो रहा है पूरा बाजार में। बाकी अभी फोटो लेने जा रहे हैं, चंदन भाई मिल गया हमको यहीं पे, तो बता रहा बढ़िया फोटो में, देखते हैं चल तू लगा आ रहा हूँ मैं एक मिनट में। सो यहाँ पे ये फोटो पसंद आ रही है लक्ष्मी माता की, देखते हैं इसी को ले लेते हैं। तो साई जी इनको पसंद आ गई है लाइट वाली, तो एक से भले दो है, दो आ जाएगी, लक्ष्मी माता मेन तो वही है, पूजा उन्हीं की करनी आज। यहाँ इनकी अलग शॉपिंग चल रही है, क्या ले रहा मोमबत्ती, भाई सा माल भर लिया पूरा, ला खा लू मैं, क्यों दिखा रही है। तो बाजार में इतना क्राउड है, तो भाई हम तो गली गली निकालेंगे, हम कोई फायदा नहीं। एक सेकंड जी, फाइनली घर आ चुके हैं, नहीं 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 साबुन के ना, सब झूठ बोल रही है, ना सच बताइए, नहीं ना ना, फिर ठीक है, ईमानदार बच्चे मन के सच्चे। तो आज पंकज ने भी कुर्ता पजामा पहन लिया और जा रहे हैं मिठाई देने मम्मी को। तो दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है ना दिया, हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो दिया से क्वेश्चन पूछते हैं, दिया हाउ आर यू, पूरा बता पूरा तेज बताओ, हाउ आर यू दिव्यांशी, और हु आर यू, ये नहीं पता, फाइन हु आर यू फाइन। यार क्या ताई जी ने क्या मिठाई देना, बोलो गप्पे, सो रखा लग रहा। सो सोते हुए बच्चे को उठाओगे तो यही होएगा, मैंने उठा दिया। अरे चुप हो जा, चल रहे घूमने आ जा, बेचारे की नींद पूरी नहीं हुई, बेचारे में नींद से उठा के ले जा रहे हो, चले चलो 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 चलो। हाय गाइस, वो बेचारे नींद में हो तो अपने सेकंड लोकेशन हो भाई, साइकिल बच गई, चल भाई चल, चश्मा तो पहन के दिखा दे, तो अपने सेकंड लोकेशन पे आ गए भाई। तो अब चलते अपने एक स्टॉप पे कॉलेज की तरफ को, चले भाई, चश्मा देखो इसका चश्मा भाई साहब, हमारा गोलगप्पे का चश्मा देखो, गोलगप्पे आए तो करते। सो फाइनली आ चुके भाई हम कॉलेज, अपना लास्ट हो गए, फिर चलेंगे घर को सीधा। तो यहाँ पे पहला घर देखा हमको रंगोली बना, पता और कहीं रंगोली नहीं दिखी हमको, तो पहला घर है रंगोली बनी दिखी, लब्बू ने बनाया कलाकारी दिखाई अपनी। सो फाइनली कॉलेज में अभी हो चुका है मिठाई देने प्रोग्राम, चलते हैं घर को। सो फाइनली आ चुके ताई जी के घर दोबारा से, और यहाँ मेहमान आ चुके हैं, अभी मेहमान आ चुके, नमस्कार जी, नमस्कार जी, हैप्पी दिवाली जी, हमारा यूट्यूबर भी साथ में भाई आ गया। सो आ चुके खाना खाने के लिए, अपना बैठ के नीचे साढ़े, ओ भाई साहब संभाल, अपना खाना दाल भात जो भी डाल दो ताई जी। सो फाइनली अपना खाना पीना हो चुका है, अब निकलते हैं घर को, पापा भी कहेंगे कहाँ रह गए, 2:30 बज गए यहीं पे बताओ। सो फाइनली हमारे यहाँ आने पे तो पापा ने रेडी भी सजा दी, क्या मस्त लग रही है देखो, है ना, और यहाँ हमारा गुड्डू भी
ठीक लग रही है ना? बस सही लगनी चाहिए। सो अभी घर पे आ चुके हैं और यहाँ ये व्हाइट कलर का पेंट है, लक्ष्मी माता का पैर हमारी बहन जी लब्बू जी बनाएगी, तो देखना कैसे बनाते हैं। नाम ललिता है यार, लब्बू हम ऐसे कहते हैं, तो देखना कैसे बनाते हैं। स्टाइल है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। हम तो सोचते थे क्या डिजाइन करना होता क्या होता है, तो दिखाता हूँ आपको। सो बड़ा ही सिंपल तरीका है इसका। ये देखो, एक आर्ट सा बना दिया पहले, उसके बाद उसको भर दिया दोनों साइड ऐसे ही। ये देखो पैर देखना भी क्या मस्त बनेंगे। ये देखो क्या मस्त बना दिया ना, आठ बना के सीधा पैर बनेंगे। मतलब बिल्कुल सिंपल ट्रिक थी, है ना। जिसको नहीं आती हो अगली दिवाली पे काम आएगी आपकी, क्योंकि वीडियो तो लेट आएगी। सो ये लक्ष्मी माता के पैर है ना, जो हमने ये रीजन लगाया कि हम तो वही चलते हैं तो आगे वो चलते हैं, तो बाद में पता लगा कि एक पैर रखा उसके साथ में दूसरा रखा, फिर आगे भी ऐसे ही करके, तब जाके उस हिसाब से एंटर होती है लक्ष्मी माता की, तब जाके ऐसा रीजन लगाया हुआ है। मतलब लॉजिक कह सकते हैं इसे। मम्मी की अलग ही कलाकारी चल रही है, थोड़ा अच्छा बनाए थे, फिर ये आटा टेढ़ा आंगा बांगा, चल जो बन गया बन गया, आंगा बांगा अच्छा रहते हैं। चलो ठीक है। सो भाई हम भी बना लेते हैं क्या, पर बताना आप कैसा लग रहा है डिजाइन। तो मैं खतरनाक ही बना रहा हूँ, मतलब ऐसा हो नहीं सकता किसी को पसंद ना आए मेरे सिवा। बनाए मैंने अपन, ये लब्बू ने बनाए, बाकी ये अपने पैर हो गए भाई। अब लग रहे मस्त, है ना, फाइनल डेकोरेशन, क्योंकि ये मम्मी ने करा, मम्मी के थोड़ा ये यहाँ से नहीं करा, मतलब यहाँ तक करा अभी, कहाँ गया और एक नीचे तक, यहाँ तक किया अभी, ऊपर आ रही है। सो मैं जा रहा हूँ अपना कपड़े कुपड़े लेने, थोड़े कल जाना है ना तो उसके लिए, तो चलिए चलते हैं अभी कपड़े ले आते हैं। तो आ गए यहाँ पे कपड़े लेने के लिए, भूल गया जी ने दिला वीडियो तो बना, देखते हैं क्या लेते हैं यहाँ पे, जैकेट जूकेट टाइप कुछ ले लेते हैं सर्दियों के लिए। ये अपने लिए हुडी देख रहा हूँ भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है आगे से ना, और कलर है इसमें दो, अच्छा पसंद आई थोड़ी, ठीक वो है तो पहन के देखो, चेक कर लेते हैं वाली। तो यहाँ तो पसंद नहीं आई कोई, बाकी ऑप्शन भी कम थे, त्योहारों के चक्कर में माल कम था, तो देखते हैं दूसरी जगह जाते कहीं मिल जाए अच्छे से, तो और भी ढंग का। सो अभी आ रहे हैं कैंटाविल में, हुडी दिखा दो भैया, देखते हैं भाई हुडी ले रहे हैं, साइज पहले भाई का दिखाओ, डबल एक्सेल, एक्सेल ही अलग अलग होता सब में, देखते हैं कैसी लगती है, देख भाई पहन के देखते हैं, ठीक आ रहा फिटिंग है पूरी, ट्रायल रूम मिल गया, सही लग रहा है, पेट भी कम लग रहा है इसमें भाई। एक और चीज पैक कर, चेन आ रही, दवा दवा पेट दवा, यू कैन डू इट, ठीक आ रही है भाई, ये तो ये सही आ रही है ये। सो अभी यहाँ पे चॉइस चल रही है, बाकी भाई देखो अपने बजट का तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं तो नहीं ले रहा, यहाँ पे तो बहुत हाई रेट है भाई कैंटाविल, तो भाई ले रहा है, भाई के देख लेते हैं कैसे क्या ले रहा है, दिखा देते हैं आपको, रेट बता देंगे बाद में। सो जी ने पसंद कर लिया, ठीक है, बाकी तीन के साथ दो फ्री है, मतलब टोटल तीन में पाँच मिल जाएंगे, बाकी फिर भी महंगा है हमारे लिए, तो इसलिए अपना तो कैंसिल है भाई, हम नहीं ले रहे, अपने बजट का सौदा नहीं है, ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा है तो हाँ दिखा दो। और तो यहाँ पे ना लालच बढ़िया दे रहे हैं, और कह रहे तीन के साथ पांच साल, कह रहे छह के साथ चार फ्री है, और हिसाब लगाने वाले राज्य ऐसे हो रहे हैं ना, सब कह रहे हैं वो छह के साथ चार, मतलब तीन के साथ पांच तो ऑब्वियसली बात है ना, छह के साथ चार ही होगा, तगड़े हैं देखो, कैलकुलेशन ना बिल्कुल गड़बड़ वाली है, तो भाई महंगा बहुत है, कुल मिला के महंगा बहुत है, नहीं लेना। तो फाइनली पैकिंग वुकिंग करवा लिया कैंटाविल से, पांच आइटम लिए, तीन के साथ दो फ्री मिले, बाकी 10,000 के बैठ गए वो आइटम, तीन आइटम ही, तो फायदा क्या हुआ बताओ, है ना, इससे बड़े हम नॉर्मल शॉप से लेते भाई, बात है ब्रांड का फर्क हो जाता है बस, पर भी बहुत महंगा है भाई, नॉर्मल बंदा नहीं ले सकता, तो मैं तो नहीं ले रहा कुछ भी, मैं अपना बाहर ही देखूंगा जो मिल जाएगा। 13,500 के तीन आइटम, 13,500 के तीन आइटम है, अरे तीन है, दो तो फ्री है,
तीन आइटम 13,500 पर ये नहीं है, कुछ नहीं होता भाई, तो कह रहा हूँ। तो मेरा अंदाजा तो 10,000 का था भाई, 13,500 के तीन आइटम मिले। भैया लिखा ना भाई 3 get 5, तो दो आइटम जो फ्री मिले, बाकी वो कितने के होंगे पता नहीं, तो 13,500 के मिले। जो सबसे तीन महंगी है ना आइटम, उनका रेट लगा है। चले चले आ जा, आओ भाई आ जा, 3 get 5 अभी जल्दी बताओ, 3 get 5। ओ भाई ये देखो भाई बजट, अबे कहाँ है बिल का, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। 13,497 है और 13,500 लिए। अबे पेटीएम में तो 7,497 करता, 500 किए पूरे, 3 रुपए के फालतू किए। 13,500 किए पूरे, 13,497 था, 3 रुपए फालतू टिप दे दिए। तो फाइनली आप आए हो अपनी वाली मार्केट में, यहाँ क्राउड दिख रहा होगा, वहाँ तो हम थे गिनती के बंदे, यहाँ देख लेते कुछ कपड़े। सो फाइनली एक शॉप में आए और ये हुडी पसंद आ रही है, बाकी अपने बजट में भी है, बढ़िया सी। बाकी आपको दुकान सजेस्ट कर दूंगा मैं, आपको अगर लेनी हो अच्छी रेंज में तो ये है, बाकी रेट बता दूंगा मैं आपको घर जाके। सो ये है कुछ ऐसा है, बाकी पजामे पे अजीब लग रहा होगा, कुर्ते पजामे वाला है ना, तो यहाँ से मैंने ले लिए। भैया मिलेंगे आपको यहाँ पुराने बस स्टैंड के आगे है, दुकान का नाम क्या भैया? जाह्नवी, जाह्नवी रेडीमेड के नाम से है। सो फाइनली अपना एक आइटम तो मिला, बाकी पंकज का फोन आ रहा है, आज जल्दी काम होगा थोड़ा, तो चलिए चलते हैं पास, एक ही आइटम बहुत है। फाइनली आ गए भाई घर पे और जैकेट दिखा दी मम्मी को, ठीक है अपनी, और ये है अपने 750 रुपये है इसका प्राइस, ठीक है। तो अपने बजट का हिसाब यही था भाई, देखो ज़्यादा मतलब हाई फाई तो अपने पास की थी नहीं, तो जितना अपने बजट में था उतने का मैंने ले लिया, तो यही सही लगी मेरे को जैकेट अपना। मतलब ऐसा भी नहीं है भाई ब्रांड पे हम नहीं जा सकते, क्योंकि अपना जितना जेब होगी उस हिसाब से चलेगा ना हर कोई बंदा। तो टाइम होगा शाम के 6, बाकी अभी तक इतनी सी भी एडिटिंग नहीं कर रही मैंने, तो अब एडिटिंग पे लगना पड़ेगा। बाकी मैंने मम्मी को कहा अब कुछ काम नहीं बताना मेरे को, आधे पौने घंटे तक, एक घंटा लगा लो, एक घंटे तक कोई काम नहीं, 6 से 7 तक एडिटिंग का टाइम अपना, फिर अपलोडिंग करेंगे, तो चलिए करते हैं, काम भी जरूरी है। सो टाइम होगा रात के 8, बाकी बाहर पटाखे शुरू हो गए फूटने, बस पापा भी आ गए, फटाफट हम भी पूजा पाठ कर लेते हैं, दिए हमने रेडी कर दिए, बाकी फटाफट करते हैं अपना जल्दी तैयारी, पूजा कर लेते हैं। सो फाइनली नीचे हम ले आए दिए अपने, अब ये दिए लगाए थे पहले, फिर करेंगे पूजा पाठ, ये इस तरह महिलाओं की तरह लेके आते हुए। सो अपनी मेन चीज है भाई अपनी रोजी रोटी जो होती है, तो यहाँ बहुत जरूरी है चीजें करना, तो यहाँ भी लगाते हैं। कहते हैं भाई फोकट में मजे लेना, इनके 1,000 लगे होंगे, हमारे को इतने लगा, मजे पूरे लिए। लग गए हमारे दिए और मोमबत्ती जो भी लगाई है, तो कुछ इस प्रकार से लग रही है छत, बाकी इधर भी लगा दिए, जितना उजाला हो सके करो। बाकी यहाँ भी लाइटिंग मस्त है, ये दिए मस्त लग रहे हैं देखो। फाइनली यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, ये माता दी, बाकी ये बढ़िया लग रहे हैं ना, ये मैंने बनाया देखो डिज़ाइन, बताया था मैंने आपको, मस्त लग रहा है मेरे को तो बहुत। सो मेन्स हो गया अपने को इस चीज़ का, प्रसाद का मज़ा आएगा इसमें, जल्दी करो प्रसाद खाना है फिर, है ना, बताओ। पड़ोस में अंकल वेट कर रहे हैं हमारा, वो बच्चे पटाखे नहीं फोड़ेंगे, ऐसे बड़े वाले यही फोड़वाएगा साथ में। वी आर रेडी फॉर पूजा पाठ, तो चलिए करते हैं फटाफट, जल्दी करो तैयारी, फिर पटाखे फोड़ने हमने भी। सो यार मम्मी हमारे पूरे पहाड़ी लुक में आ चुकी है, पिछोड़ देख सकते हैं आप, ये नथ हो गया, बाकी ये पूरा सज धज के आज तैयार है पूजा पाठ के लिए, तो चलिए। सो यहाँ पे कमल का फूल, लक्ष्मी माता जी आपको पता है उसमें बैठते हैं, तो उन्हीं के आगे रखेंगे इसको। सो यहाँ कैमरे में दिख रहा, पर रियलिटी में इतना धुआं हो चुका है ना यहाँ पे, तो कुल मिला के कोहरा ही कोहरा चारों तरफ होने वाला है, देखो धुआं बाहर, ढंग से क्लियरिटी भी नहीं आ रही। बोलो लक्ष्मी माता की जय।
जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता विष्णु जाता ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेवा के दरबार की जय। सो फाइनली आरती हो चुकी है, बस भोग लगाया जा रहा माता रानी को, उसके बाद अपने प्रसाद लेंगे और आज पटाखों की आवाज सुनाई देगी आपको। मेरी आवाज बहुत कम आएगी, पटाखों की ज्यादा आएगी। जय हो। ये होता प्रसाद डबल मिला, देखा वेटिंग पिस्ता काजू कतली। तो यहाँ फोटो शूट चल रहा है अब अपना खाने के, मतलब आरती के बाद का हम भी खिंचवाएंगे फोटो, एक डाल देंगे स्टेटस है ना। तो यहाँ सेल्फी चल रही है अपनी। अब मैं कहाँ आ रहा हूँ बे, रुक जा मैं इधर आता हूँ ना। आओ जी आओ मेहमानो आओ। इतना इतना हाई लेवल की वो नहीं करते हम स्वागत। फाइनली मेहमानों का आरती के करेक्ट बाद मेहमान पहुंचे हमारे, देखो कितने सारे आ चुके हैं, तो बढ़िया है ना। ये बेचारा वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा हमसे, अबे वाईफाई नहीं है फोन के, नेट चला दे। अपलोडिंग के लिए दूसरे के वाईफाई का सारा लेता हूँ मैं। अरे ये फोन का है ना, फिर फोन का देखता है, चलो अच्छी बात है। सो यहाँ मेहमान नहीं है भाई कोई भी, सारे अपने घर वाले हैं। बाकी सही टाइम पे आयो है, ट्रीट मेहमान वाले देनी पड़ेगी ना। सो पंकज गया भाई अपने पड़ोस में पटाखे छुड़वाने बच्चों के साथ, एक बोतल लेके रॉकेट के लिए। तो यहाँ हमारा यूट्यूबर है, कितने व्यू हो गए भाई आपके चैनल में? ज्यादा नहीं, 1,00,000 हो गए टोटल। देख लो मेरे 50,000 हुए आज जाके कम्प्लीट हो मेरे। हाँ ये बताऊं तो भूल ही गया आपको, आज दिवाली के दिन मेरे चैनल में 50,000 व्यू कम्प्लीट हो गए। मंदिर में 50,000 व्यू कम्प्लीट हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, 50,000 होता क्या है। हाँ ये सही कह, सब्सक्राइबर होते तो फर्क पड़ता। सो अब यहाँ आज हमने डिनर के लिए इन्वाइट कर रखा है दीदी जिया जी इनको, तो डिनर करके साथ में उधर को ही चलेंगे। फिर हम दीदी जिया जी वो भी चल रहे हैं हमारे साथ उत्तराखंड घूमने के लिए, और ये भी जा रहा है हमारे साथ। ये देखो कैसे ईयरबड्स ला रखे, मजा नहीं आया बिल्कुल। मोमबत्ती मंगाई है तेरे से, कोई ग्रेनेड नहीं मंगाया, इतना डर रहा है। देखो चल चल जलाओ, फुलझड़ी कौन जला रहा है, एक एक उठा लो जल्दी। यहाँ पे तो पटाखों का खेल मस्त चल रहा है, तो आ रहे आज देंगे। तो कई कहते हैं ना बहन है भाई, बहन कुछ नहीं है, बस ठीक है। अरे यार बेइज्जती करवा दी ज्यादा इन जल्द। सो फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं, अब निकलते हैं हम ताई जी के यहाँ के लिए, वहां से जाएंगे गाड़ी में गाँव के लिए। गाँव के लिए क्या, गाँव नहीं अपना मतलब उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ पे 100 उड़ेंगे अभी। तो पहुंच गए ताई जी के घर। यहाँ देखो भाई सामान दिख रहा है, ये मतलब ऐसा लग रहा है मोहल्ले का सामान है पूरा, पर ये सिर्फ एक परिवार का सामान है और मेरा सामान है इतना सा। एक बैग था वो स्कूटी का, ये रख दिया, तो एक ही बैग है मेरा, ज्यादा नहीं है। अभी सुबह 4 बजे निकलने का प्रोग्राम है अपना, तो अभी सो जाते हैं, थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। चलो बताऊं ये आधे प्रसाद में रोक दिया, काजू कतली खाएगा।